नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को 8 विकेट पर 149 रन पर रोक दिया था। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल सीजन 12 का 20वां मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 149 रन बनाए थे और दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 150 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 16.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 133 रन बना लिए। कैगिसो रबाडा ने 21 रन देकर 4 विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन दिखाया था दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। बेंगलुरु के लिए कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। उनके अलावा मोइन अली ने 32 रनों की पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कैगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। कप्तान विराट कोहली ने अपने मिजाज के विपरीत धीमी पारी खेली। मौजूदा सत्र में पहली जीत की तलाश में जुटे आरसीबी के बल्लेबाजों को जूझना पड़ा क्योंकि विकेट पर शॉट खेलना आसान नहीं था। गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी जिससे बड़े शॉट खेलने में परेशानी हुई। कप्तान विराट कोहली ने 33 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 41 और मोइन अली ने 18 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 32 रन का योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए सबसे ज्यादा 37 रन की साझेदारी की। उनके अलावा अक्षदीप नाथ ने 19, मार्कस स्टॉइनिस ने 15 और टीम साउदी ने नाबाद 9 रन बनाए। बेंगलुरु ने अंतिम 4 ओवर में 35 रन बनाए और 4 विकेट भी गंवाए। दिल्ली के लिए रबाडा ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए। इन 4 विकेटों में कोहली और डिविलियर्स के विकेट भी शामिल हैं। उनका T20 में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। रबाडा के अलावा क्रिस मॉरिस ने 2 और अक्षर पटेल तथा संदीप लामिछाने ने 1-1 विकेट लिया। बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दूसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज क्रिस मॉरिस ने उन्हें संदीप लामिछाने के हाथों कैच आउट करा दिया। पार्थिव पटेल 9 रन बनाकर आउट हुए। छठे ओवर में कैगिसो रबाडा ने एबी डिविलियर्स को कॉलिन इंग्राम के हाथों कैच आउट कराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को दूसरा झटका दे दिया। एबी डिविलियर्स 17 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक रन बनाए, 67 रनों की पारी खेली। पृथ्वी शाह ने 28 रन बनाए। शिखर धवन आज डकआउट हो गए, 1 भी रन नहीं बना सके। कॉलिन इंग्राम ने 22 रनों की पारी खेली। वहीं ऋषभ पंत ने 18 रन की पारी खेली। बाद में अक्षर पटेल, राहुल तिवेटिया ने आकर मैच जीता। रबाडा की अच्छी गेंदबाजी की वजह से दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।